अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हनी, क्या हुआ आपको? आप कहाँ थी? रुद्र जी, अरे आप ही ना? एक्चुअली ये वॉशरूम में थी, नहा रही थी, लेकिन पीपी बढ़ गया अचानक से, अब इसीलिए पसीने छूटने लग गए ऐसे। हनी क्या करती हैं आप, क्यों नहीं ख्याल रखती हैं अपना? क्या है कि कल आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद परेशान सी है, घबराई हुई है, यही बता रही थी हमें अभी। पर कोई बात नहीं, अभी हमें मिल गई है तो साथ में खाना भी खा लेते हैं, अच्छा लगेगा। भूख लगी है जी। किसी भी हालत में ज्योति को ढूंढना होगा। नानी के गुनाहों का इकलौता सबूत है। देवयानी, तुम यहां? एनीवेज, सो थैंक यू। क्यों देवयानी, अब भोली बनने का नाटक ना करो। तुम जानती हो मैं थैंक यू क्यों कह रहा हूं। आज मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। रंग तेरे रंग में। रुद्र जी, कम से कम अब तो आपको यकीन हो रहा होगा ना कि ना हम कभी आपके साथ बुरा कर सकते हैं और ना ही कभी करना चाहेंगे। मैं जानता हूं देवयानी, तुम मेरा बुरा नहीं चाह सकती। जब मैंने खुद से उम्मीद खो दी थी तो तुम्हारे विश्वास ने ही मुझे जगाया। इंसान यही तो हर बार गलती करता है। जब सबसे ज्यादा भरोसा रखने की जरूरत होती है तभी इंसान हिम्मत हार देता है। पर हमें पूरा यकीन था कि आपको कुछ नहीं होगा, पर सच कहे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे। दो बार गलत साबित हुए हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले भी कभी आपसे कोई गलती हुई हो? किसी इंसान को लेकर कोई गलत फहमी हुई हो? तुम कहना क्या चाहते हो? रुद्र जी, हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ज्योति जी को गलत समझा हो। एक शब्द और नहीं थी फैनी। रुद्र जी, एक बात बताइए हमें, ज्योति जी ने तो आपको एक ही बार धोखा दिया ना? न कभी उससे पहले, न कभी उसके बाद, है ना? लेकिन हमले तो आज भी आप पर हो रहे हैं। कल जो आपके साथ हुआ, हमें नहीं लगता है कि कोई आपको लूटना चाहता था, क्योंकि आपका वॉलेट, आपके सारे पैसे, ये कीमती घड़ी, गोल्ड चेन, सब कुछ वैसे का वैसे है। इसका मतलब इस सब के पीछे जो कोई भी है वो आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। कोई तो ऐसा है जिसको आपके मौत से फायदा होगा। और आपको लगता है कि ये सब कुछ ज्योति कर रही है? आपको लगता है कि इस सबके पीछे ज्योति का हाथ है? रुद्र जी, हमें तो नहीं लगता। लेकिन अगर ज्योति जी नहीं है तो फिर कौन है? कौन है जो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है? देवयानी, ऐसे गोल मोल बातें करके ना मुझे उलझाओ मत। मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूं। साफ साफ बताओ कि बात क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? कहीं तुम फिर से मेरी नानी पर उंगली तो नहीं उठा रही?
रुद्र जी, इस बार हमने तो कुछ नहीं कहा, आप ही की जुबान से निकली है ये बात। बस करो दीपक, ये खेल खेलना तुम बंद करो, समझी तुम? हम नाटक क्यों करेंगे रुद्र जी? क्या बंद करो अपना नाटक ही देवयानी। जब जब मैं तुमसे इज्जत से बात करने की कोशिश करता हूं, तुम सब कुछ खराब कर देती हो। ऐसे हमारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। लेकिन तुम्हें हमेशा मेरी फैमिली में ही प्रॉब्लम दिखती है, हमेशा मेरे परिवार पर इल्जाम लगाती रहती हो तुम। क्यों होने लगी है बेचैनी, बस मेरा अब क्यों नहीं चलता है, तुझ संग जुड़ी है मेरी प्रीत की डोरी, मन मेरा पतंग सा उड़ता जी। है आपने क्या कहा? रिश्ता ये ना रुद्र जी, क्या कहा आपने? देवयानी, मैं पति पत्नी के रिश्ते की बात नहीं कर, मैं दोस्ती के रिश्ते की बात कर रहा। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। ठीक है, आप अगर हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो हम जिंदगी भर आपकी दोस्त बनने को तैयार हैं। तो फिर आप जाओ तेरे रंग में मैं, रंग जाओ।